इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट के यात्रियों को कराया गया इमरजेंसी एग्जिट। बम की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया। राजकोट गेमिंग जोन हादसे पर गुजरात के सीएम का बड़ा एक्शन। हटाए गए राजकोट के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव। पुलिस को 3 आरोपियों के 14 दिनों की रिमांड। पुणे पोर्शकार केस में नाबालिग आरोपी के दादा की आज पुणे कोर्ट में होगी पेशी। ड्राइवर के अपहरण केस में किया गया था गिरफ्तार। पुणे क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक हादसे वाली रात येरवडा पुलिस स्टेशन गए थे अजीत पवार गुट के विधायक सुनील टिंगरे। नाबालिग आरोपी को बचाने का है आरोप। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी और केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज किया। आखिरी चरण के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। बलिया के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने छोड़ी पार्टी। ममता बनर्जी ने 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से किया किनारा। कहा 1 जून को एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ राज्य तूफान से प्रभावित, इसलिए बैठक में नहीं जा सकती। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेल भेजने वाले बयान पर किया पलटवार। भोजपुरी अंदाज में बोले तानाशाही 4 जून तक बार। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले अयोध्या और काशी की देखी, मथुरा में भी हो चुकी है शुरुआत। ये भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कसा तंज। बोले 7वें चरण में बीजेपी होगी 400 के पार। अखिलेश यादव और राहुल गांधी गाएंगे गाना। अंडरडॉन अबू सलीम के साथ कंगना रनौत की वायरल तस्वीर को लेकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। फर्जी तस्वीर के जरिए कंगना रनौत को बदनाम करने का लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने गृहमंत्री अमित शाह पर लगाया पंजाब सरकार गिराने का आरोप। बोले प्रचार के दौरान अमित शाह ने सरकार गिराने की धमकी दी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर कहा नालायक निकम्मा और गद्दार। पार्टी छोड़ने वाले सचिन पायलट समर्थकों पर साधा निशान। ममता बनर्जी का विवादास्पद बयान। बोली रामायण महाभारत खत्म हो जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा, बाइबल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम कभी खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतिम चरण के मतदान के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे प्रचार। दुमका बारासात और जादवपुर में रैली के बाद शाम को कोलकाता में करेंगे रोड शो। अग्निवीर योजना पर सियासत तेज। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया पलटवार। बोले कांग्रेस हर बार सेना को कमजोर करने की करती है कोशिश। दिल्ली बीजेपी ने पंजाब के मंत्री बलकार सिंह का आपत्तिजनक वीडियो किया शेयर। वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी को बताया महिला विरोधी। अंतरिम जमानत की मियाद 7 दिनों तक बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा अपने मेडिकल टेस्ट कराने के लिए मांगा है समय। दिल्ली कांग्रेस में मचा घमासान। जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित का पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप। पार्टी आलाकमान से आरोपी पूर्व विधायक के खिलाफ एक्शन की मांग। पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की हत्या के बाद सभी परीक्षाएं रद्द। आज विश्वविद्यालय से संबंध सभी कॉलेज भी रहेंगे बंद। छात्र की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में आज भी हीट वेव का असर जारी रहने की चेतावनी। राजस्थान समेत कई स्टेट्स के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच मिला कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के व्यापारी को मारने के लिए लॉरेंस गैंग ने अमन को दी थी सुपारी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में विस्फोट में 2 महिलाओं समेत 3 लोग हुए घायल। मैदान में अचानक हुआ था ब्लास्ट। पुलिस जांच में जुट गई। एनआईए ने मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कई राज्यों में की छापेमारी। गिरफ्तार किए गए आरोपी। हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले किए तेज। एक के बाद एक 25 रॉकेट दागे। इसराइल की सेना ने आयरन डोम से रॉकेट हमलों को रोका।